राणा दग्गुमती एक प्रसिद्ध भारतीय निर्माता, फोटोग्राफर, विजुअल इम्पैक्ट साहस समारोह और एक भारतीय अभिनेता है। उनका नेम राणा है। वह सेलिब्रिटी के साथ ईमानदार भारतीय फिल्म अभिनेता की पहचान कर रहे हैं। उनका परिवार हिंदू धर्म से। राणा दग्गुमती का जन्म 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उन्होंने चेन्नई फिल्म स्कूल से औद्योगिक फोटोग्राफी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। राणा अभिनेत्री तुषा कृष्णा के साथ अपने रिश्ते और डेट के कारण अभी भी अविवाहित है। उनके परिवार में एक छोटा भाई अभिराम दग्गुमती और छोटी बहन मालविका दग्गुमती शामिल है। उनके पिता दग्गुबती सुरेश बाबू एक मशहूर फिल्म निर्माता है, जबकि माँ लक्ष्मी दग्गुबती एक गृहिणी है। राणा दग्गुबती ज़्यादातर तेलुगु, बॉलीवुड और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। वह फिल्म बाहुबली दम मारो दम, बाहुबली 2 और काजी अटक के लिए मशहूर है। वह मुख्य रूप से बाहुबली सीजन 1 और बाहुबली सीजन 2 के लिए प्रसिद्ध है। राणा के पास तेलुगु सुपरहिट फिल्म लीडर है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है और अपने सवाल से दृश्य प्रभाव बनाने के कौशल के लिए नंदी पुरस्कार भी जीता। उन्होंने कई पुरस्कार कार्यक्रम की मेजबानी की है। राणा दग्गुबती को तेलुगु में उनकी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म एक बालिकुला और फिल्म्स के लिए सह निर्माता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और फिल्म फेयर साउथ अवार्ड में उन्हें फिल्म लीडर के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू का पुरस्कार मिला। उन्हें फिल्म सनी गुडू के लिए एक विशेष प्रभाव के लिए नंदी पुरस्कार मिला। उन्होंने फिल्म दम मारो दम में अपने अद्भुत अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण का जी सिने पुरस्कार भी जीता। राणा दग्गुबती ने मेगा ब्लॉकमास्टर बाहुबली में सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका के लिए सीमा पुरस्कार भी जीता है। राणा दग्गुबती ने खुद माना था कि वह दाहिनी आंख से अंधे है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी दाहिनी आंख का नेत्र प्रतिरोपण करवाया है। हालांकि अब भी उनकी बाईं आंखें बंद होने के बाद वह दाहिनी आंख से कुछ भी देखने में असमर्थ है। राणा दग्गुबती मशहूर फिल्म निर्माता सुरेश बाबू के बेटे है, फिर भी उन्होंने अपने लिए एक प्रयासी रास्ता चुनने का फैसला किया। 4 वर्षों तक उन्होंने एक विशेष दृश्य प्रभाव समन्वयक के रूप में काम किया। उसके बाद वर्ष 2010 में अभियान की दुनिया में आए और फिल्म लीडर के लिए अपनी पहली भूमिका निभाई। राणा हमेशा दान और मानवता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने एक बार टीवी शो मेमू सेथम में योगदान दिया था, जिसमें सुपरस्टार को जरूरतमंदों की सहायता के लिए अजीब नौकरियां चुननी पड़ती थी। राणा दग्गुमती ने एक कॉलेज की स्थापना की और अपनी कमाई से दान किया। जैसे कि कई रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा माना जाता है कि राणा दग्गुबती हमेशा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस फोटोग्राफी में ग्रेजुएशन किया। राणा को जूतों खरीदने का बेहद शौक है। राणा दग्गुबती जब बाहुबली में परफॉर्म कर रहे थे तब वह डाइट पर थे। हालांकि वास्तविक जीवन में वह खाने के बहुत शौकीन है और कई तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का आनंद लेना पसंद करते हैं। वह अपने अभियान पोषण में अच्छे है। वह स्क्रीन पर हमेशा सख्त और आक्रामक दिखते है, लेकिन असल जिंदगी में वह बहुत नरम दिल और दयालु इंसान है। राणा दग्गुमती एक भारतीय अभिनेता निर्माता है, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1984 को तमिलनाडु भारत में हुआ था। राणा दग्गुमती 39 साल के। राणा दग्गुमती 6 फीट 2 इंच के।